अनदर व्लॉग गाइस, आज मैं हूँ देहरादून में और कल से मेरे स्टार्ट होने वाले कॉलेज वाले शुरू। और गाइस कसम मेरे साथ बहुत गंदा सीन हो गया था। मतलब मेरे को पता, मतलब कि मेरे दोस्त को, मतलब कि मेरे बैचमेट का फ़ोन आया और मेरे बैच मेट ने कहा कि भाई तेरे पास ड्रेस है। मैंने कहा भाई ड्रेस तो है नहीं। कह रहा भाई कॉलेज में एंट्री नहीं होगी। मैंने कहा भाई साहब, क्योंकि गाइस मैंने लिया है लेट एडमिशन और मतलब मेरी ऑनलाइन क्लासेस मैंने एक भी अटेंड नहीं करी अभी तक। और गाइस कसम, अगर मैं अगर बिना ड्रेस के आता कसम मेरी वाट लगा देते हो टीचर्स लोग। और मैं नहीं चाहता कि मैं पहले दिन ही, मतलब एक जो होता है, मैंने दोस्त को बोला कि आ गया था भाई मेरे को कहीं सा फटाफट ड्रेस ला। कह रहा भाई यार संडे है। मगर तो भाई संडे को तो मार्केट रहते, क्या भाई यहाँ लॉकडाउन रहता है। भगवान की दुआ है धर्मपुर गए थे, वहाँ पे मिल गया ड्रेस और अभी आया थोड़ी देर पहले। गाइस ऐसा ये है और थोड़ा सा इधर टर्न करें। ओह गॉड, बादल कितने हो रहे हैं। वैसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज तो जाना ही है कल। और जैसे कि गाइस आपको यहाँ पे देख हल्के से ब्लू रॉयल लाइट ब्लू से दिख रहे होंगे, शायद नहीं दिख रहे होंगे तो, पर कोई बात नहीं। सो गाइस वो है मसूरी, मतलब कि इट मींस, मतलब कि रात को अगर मौसम वगैरह, मतलब कि क्लाउड वगैरह नहीं रहेंगे तो मतलब कि वहाँ पे मसूरी के वो दिखते हैं। मतलब कि मसूरी तो नहीं दिखता, पर मतलब कि जो होता है जिसके पहाड़ में देखते हैं तो लाइट लाइट दिखता है, तो मतलब वैसे ही लाइट लाइट दिखता है वहाँ पे भी। सो अनुराग भैया UK07 राइडर देहरादून के ही हैं भाई, और भाई के 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं यूट्यूब पर और भाई का गोल्डन बटन भी आ गया है। भैया का मैं भैया उन्हें इतना बोल दूँ कि मैं भी गढ़वाली हूँ और वो भी गढ़वाली हैं। और आपको पता ही है, मतलब कि हमारे गढ़वाली कल्चर में बड़े को दादा बोलते हैं, दादा बोलते हैं। मतलब आई मीन, क्योंकि मेरे को गढ़वाली तो आती नहीं, पर मैंने जितना सुना है कि मतलब कि मेरे को छोटे, मतलब कि जो मेरे कज़न्स वगैरह हैं और जब भी मैं गाँव जाता हूँ तो मेरे को वो दादा बोलते हैं कि दादा आगे दादा आगे। मतलब एक होता है ग्रैंडफादर वाला दादा, एक होता है बड़े भाई वाला दादा, तो मतलब बड़े भाई वाला दादा मीन्स। तो कसम से मैं आज तक अनुराग भैया से मिला नहीं, पर कसम से मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और कसम, क्योंकि मैं एक बार, मतलब कि अभी लास्ट वीक उन्होंने एक यहाँ एक किया की शोरूम से गाड़ी ली थी, मैं कसम से उनसे मिलना चाहता था, पर गाइस कसम से मैं उनसे नहीं मिल पाया क्योंकि क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। और मेरे को पता लगा कि वहाँ पे करीबन क्योंकि भाई भैया का व्लॉग देखा मैंने, जब मतलब कि उसके एक दो दिन, मतलब कि आ गया था व्लॉग एक दो दिन में ही, तो मैंने जब उनका व्लॉग देखा तो कसम से गाइस वहाँ पे बहुत भीड़ थी। शायद मतलब कि अनुराग भैया बहुत अच्छे हैं, मतलब कि उन्होंने सबके साथ फ़ोटो खिंचवाई। मतलब एक हो लास्ट का, बाकी की बातें होंगी कल। बस आज मैं यही विश करता हूँ भगवान से कि बस मेरे को कभी भैया से मुलाकात हो जाए और काश किसी ब्लॉग में वो मेरे साथ ब्लॉग करे। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय। जब तुम झुके जब से तुम नजर में आ रुके, हम तो हो गए जमा धीरे धीरे थालम आप तो होना है वेलकम बैक गाइस। और आज जा रहे हैं कॉलेज, काफ़ी धूप है यार आज कसम भयंकर, मतलब आंखें तक नहीं खुली। मिलते हैं यार कॉलेज के गेट पे, बाय। घूमना है गलती से, तुम थका गए कहीं, सुबह गए कहीं इधर। अच्छा,
और ये देखो, ये हमारे रोहित भाई और ये तिवारी भाई, और ये थोड़ा कॉलेज से पहले खाने की बोल लेते हैं। परदेसी तेनो जरा जिस्म का शौक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं। जाने मेरी जानी पर जानी मैनु छड़े नानी आनी तेरी याद हर दफा, कौन समझाए जब झूठ। बैक गाइस, और आज सुबह सुबह मैं आपसे बात करने आ गया। आज 7 सितंबर है और कल का दिन, कल मेरा पहला दिन था स्कूल और कॉलेज में, तो काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी नए दोस्त मिले मेरे को और अच्छा लगा उनके साथ मिल के। और अभी मैं हूँ अपने छत पर, तो दिखाते हैं आपको कैसा नज़ारा है। मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है गाइस, रोटेट करता हूँ। सीन कुछ ऐसा है, ये है, कितना सही लगता है ना गाइस, कि मतलब आप मतलब अपने आसपास ऐसे मतलब हरे भरे पहाड़ देखो। वैसे तो नीले हैं पर थोड़े स्टार्टिंग में, मतलब कि पेड़ पेड़ भी है नीचे, और वहाँ पे थोड़ा क्लाउडी सा है, मतलब पूरा दिख रहा था सुबह के टाइम पर। मैं सुबह व्लॉग नहीं करना चाह रहा, मतलब कि सुबह मैं फ़ोन नहीं लाया था अपने साथ ऊपर, और गाइस मतलब पूरी साइड, और गाइस मतलब इतना यहाँ के लोग इतने फ्रेंडली है ना, क्या बस पूछो। तो गाइज कमेंट डाउन बिलो कि मतलब आपको मतलब जो क्लास में बातें चल रही थी, मतलब इंट्रोडक्शन चल रहा था दोस्तों का, वो कैसा लगा। इट मीन्स मतलब कि वो बहुत फ़नी था, मतलब फ़नी तो नहीं, मतलब बहुत ही एक होता है कि अलग ही जोन था वो इंट्रोडक्शन का, बट थोड़ा बहुत घर वालों से बात करा और कुछ नहीं। और गाइज मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।